हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। मैं डायरेक्ट ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ महाअष्टमी की रात में। मैं जब पूजा घूमने निकली थी उस वक्त, और मैं सबसे पहले पहुँची हूँ मीठापुर। मीठापुर जाने के बाद वहाँ पे लाल किला बनाया था, छोटा सा पंडाल, वो मैंने देखा। जैसे कि आपने पहले देखा कि हमारे मोदी जी बहुत बड़े बड़े हस्तियों के साथ स्टैचू के रूप में वहाँ पे खड़े थे, वो देखा हमने। और यहाँ पे श्री राम भगवान और हनुमान जी और रावण का स्टैचू भी बनाया था, काफ़ी अच्छा, मतलब हाई बनाया था, तो वो मैंने रिकॉर्ड किया। और सामने स्टैचू ऑफ लिबर्टी जैसा कुछ था, ज़्यादा कुछ था नहीं। मैं तो बहुत एक्साइटेड थी कि शायद कुछ अच्छा पंडाल बना है, क्योंकि हम लोग पुल से आए हैं। और यहाँ लाइट बहुत ही अच्छा लगा हुआ था, चारों तरफ रोशनी में शहर जैसे कि बिखरा पड़ा हुआ है। और ये रहे हमारे सनी पाजी, आप देख सकते हैं कि इनका भी स्टैचू यहाँ पे लगा हुआ है। बहुत ही ज़्यादा साउंड है, मैं ये ब्लॉग वॉइस ओवर करके डालने वाली हूँ, क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगी। मैंने कोशिश की थी कि मैं बोल के ब्लॉग बनाऊँ, बट बहुत ही गाना बज रहा है, मैं नहीं बना सकती। अभी थोड़ा रोड शांत है, अभी मैं थोड़ा शांत रोड से निकल रही हूँ, तो मैंने सोचा कि इस ब्लॉग में ये बात बता देती हूँ। बहुत ही ज़्यादा शोर है रोड पे, तो मैं बाद में वॉइस ओवर करके जो जो मैंने देखा, जहाँ जहाँ देखा आपको बताऊँगी। बट अभी मैं बोल के वीडियो नहीं बना सकती, और यहाँ पे लाइट का इशू है, तो मैं रखती हूँ। उसके बाद हम लोग का गाड़ी का पेट्रोल मतलब ख़त्म होने वाला था, तो हम लोग चले गए पेट्रोल पंप। और वहाँ पे मैंने मौका देख के अपना पूरा आउटफिट आप लोगों को दिखा दिया यहाँ पे। और फिर वहाँ से पेट्रोल लेके हम लोग निकले चाय की टपरी पे। जी हाँ, मेरे हबी शाम का चाय नहीं पिए थे, तो उनका सर दुख रहा था, तो उन्होंने बोला कि पहले तो मैं चाय पीऊँगा, उसके बाद घूमना कंटिन्यू करूँगा। तो मैंने भी उनको लगे हाथ कंपनी दे दिया। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे बाहर की चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे घर की एकदम अच्छे से दूध वाली कड़क चाय पसंद है, और बाहर में तो ऐसी चाय मिलती नहीं है। और ये जो दोनों पंडाल है, जो इंडिया गेट आपको देखा, और एक ये वाला पंडाल, ये बना था कदम कुआं की तरफ। और ये दोनों पंडाल थोड़ा बहुत अच्छे थे, मतलब ये जो कदम कुआं का सेकंड वाला जो पंडाल था वो वाकई अच्छा था। और यहाँ पे मैंने ढाक रिकॉर्ड किया थोड़ा, जो कि कोलकाता में बहुत बसता है और मुझे बहुत पसंद है। फालतू का गाड़ी बंद कर दिया है, और उसके बाद पैदल चलो, और जाने के बाद पता चल दिया कि एकदम बेकार पंडाल बना है। मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, बट भी होने से जो कोलकाता घूम के आएगा यहाँ का दुर्गा पूजा, उसको क्या ही लगेगा। तो अभी जा रहे हैं डाक बंगला चौराहा। यहाँ भी रोड जैसे कि आपको दिख रहा होगा, गाड़ी बंद है दोनों तरफ, दोनों तरफ बस भीड़ है, गाड़ी बंद है, पैदल जाओ, देख के आओ। होपफुली कि अच्छा बना हो, कि कुछ तो अच्छा दिख जाए। वैसे एक दो पंडाल 1% मुझे थोड़ा ठीक लगा, देखते हैं यहाँ क्या हाल है। यहाँ गाना नहीं है तो चूंकि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। चलिए देखते हैं, ये भी होती है कि दुख हमेशा की तरह। और फाइनली इतना भीड़ घूम के घुस के आने के बाद पंडाल दिखा, जो कि वाकई अच्छा पंडाल था। मतलब भीड़ में आना स्वार्थ हो गया, मतलब ऐसा नहीं था कि हाँ भीड़ में आने के बाद सब बेकार हो गया, नहीं, अच्छा लगा देख के। और यहाँ पे एक जगह भीड़ बगल में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे सच में भगवान जी बन के सब बैठे हुए थे। उसके बाद मैं यहाँ पर पीने चली आई लस्सी,
जो कि यहाँ पे कितना अच्छा डेकोरेट किया था उसने, और वाकई लस्सी अच्छी थी। ये पुलिस लाइन में केदारनाथ बना हुआ था और यहाँ हमें प्रसाद भी मिला खाया। घर में सब्जी खत्म हो गई थी तो लगे हाथ सब्जी भी ले लिया हम लोगों ने क्या करें। और उसके बाद हम लोग निकले बेली रोड, राजा बाजार, आसियाना, जगदेवपथ, कचपुड़ा, ये सब घूमने की तरफ। और इधर तो क्या ज़बरदस्त भीड़ थी, शेखपुरा से ही गाड़ी इधर एंट्री बंद था, इतनी ज़बरदस्त भीड़ थी। और बाकी दो तीन पंडाल इधर बहुत अच्छे बने हुए थे, बट मैं उतना भीड़ में जा के रिकॉर्ड नहीं करना चाहती थी, मैंने थोड़ा बहुत ऐसे शूट कर लिया। और उसके बाद खाने में हम लोगों ने यहाँ पे लिया था फ्राइड राइस, चाउमीन और पनीर चिली, वो एंजॉय किया। और मैंने आइसक्रीम भी खाया जो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया है। और खाना काफ़ी अच्छा था, खाली था तो मैं बोली कि यहाँ पे खा लेते हैं, फिर पता नहीं क्योंकि 12 बज चुके थे, 12:30 होने वाले थे, तो फिर मैंने बोला पता नहीं कहीं दुकान भी बंद हो जाए और खाली नहीं मिले, तो इसलिए मैंने खा लिया। अच्छा बनाया था वैसे। और उसके बाद हम लोग ये खा के और निकले घर की तरफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे, बहुत घूम फिर लिया, बहुत कुछ खा पी लिया। बहुत कुछ तो मैंने नहीं खाया क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है ऐसे एनी टाइम घूमने जाओ तो खाते रहो। मेरे ख्याल से पहले एक बार आप अच्छे से घूम लो, उसके बाद सेटल होकर बैठ के खाओ। तो बस मैंने वही किया, मैंने अच्छे से पहले पूरा पटना घूमा और उसके बाद मैंने खाना एंजॉय किया। और उसके बाद मैं कहीं घूमने नहीं जाऊंगी, डायरेक्ट जाऊंगी घर, क्योंकि आज का अष्टमी का कोटा पूरा हो चुका है। आप लोग बोलिएगा आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और मैं मिलूंगी आपसे फिर नेक्स्ट ब्लॉग यानी नौमी के ब्लॉग में, क्योंकि अष्टमी का इतना ब्लॉग मेरे ख्याल से काफ़ी हो गया और ज़्यादा शूट नहीं करूँगी मैं। और मैं पूरा नौमी कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि लड़कियों की प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैंने पूजा वगैरह कुछ नहीं किया था, तो इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और अष्टमी को मैं डायरेक्ट पूजा घूमने के लिए बाहर निकली, तो मैंने वहाँ से ब्लॉग शूट किया। तो मेरा मन भी नहीं था वैसे जाने का, बट ठीक है ना, चलो घूम आते हैं, माँ आई हैं तो। और उसके बाद हम लोग घर निकल गए। तो होपफुली ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा है, और अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।